राधे राधे भाई सबको। राधा अष्टमी कल है भाई, लेकिन राधा अष्टमी से एक दिन पहले मैंने अपनी राधा अष्टमी के लिए फ्लावर मंगवा लिए थे, क्योंकि तैयारी तो देखो एक दिन पहले शुरू करनी पड़ती है। रात को मैंने सारा भोग वगैरह लगाने के बाद, पूजा अर्चना सब करने के बाद, लड्डू राधा के जो वस्त्र हैं वो चेंज कर लिए थे और इत्र से दोनों की मालिश कर दी थी। कमल का फूल मैंने मंगवा लिया था और बाकी और फूल भी मंगवा लिए थे, क्योंकि राधा रानी का जो जन्म है वो कमल से कराया जाता है। अब मैं अपनी राधा रानी को फूलों के आसन पर और कमल साथ में रखूंगी, क्योंकि मेरे भाई जो राधा रानी का विग्रह है वो बड़ा है तो कमल के फूल में बिल्कुल आएगा नहीं। तो मैंने कमल को थोड़ा सा खोल के हाथ राधा रानी का वहाँ पर टच करवा के ऐसे इसको सुला दिया था और उसके बाद अपने बाल गोपाल को भी सुला दिया था। अब जो सुबह है मैं लगभग 4:30 बजे के करीब जन्म करवाऊंगी। सुबह मैं जल्दी उठ गई थी, स्नान करके 4:30 बजे मैं अपने मंदिर में आ चुकी थी। अब मैं अपनी लाडो रानी का कमल के फूल से ही जन्म करवाया है। राधा रानी की जय हो। कमल के फूल से हमने जन्म करवाया भाई राधा रानी का। सुबह पंचामृत की सारी सामग्री मैंने ले ली थी, शहद, घी, बूरा, दूध, दही और गंगा जल डाल लिया था सब में। अब अभिषेक होगा भाई, लड्डू राधा दोनों हैं मेरे पास तो दोनों का ही मैं अभिषेक करवाऊंगी एक एक चीज़ से। आज मैंने पंचामृत को, मैं कई बार अपनी वीडियो में बताती हूँ कि या तो पांचों चीज़ों को एक साथ मिला लो या आप अलग अलग अभिषेक करा लो, तो मैं आज अलग अलग अभिषेक कराऊंगी। और सबसे पहले मैंने दूध से अभिषेक कराया, और हर बार जितनी बार भी अभिषेक कराएंगे हम जल का उपयोग जरूर करेंगे साथ में। दूध से अभिषेक कराने के बाद जल से स्नान कराया, फिर मैंने दही से अभिषेक कराया है दोनों का अच्छे से मालिश करके, मतलब उसके बाद फिर हमें सादे पानी से अभिषेक कराना है। फिर बाकी जो और चीज़ें हैं, जैसे अब मैं खांड से अभिषेक कराऊंगी, देसी खांड है मेरे पास, देसी खांड से अभिषेक कराने के बाद फिर मैं जल से अभिषेक कराऊंगी। मतलब अभिषेक कराते हुए हमें ध्यान रखना है कि एक एक चीज़ यूज़ करनी है, उसके बाद सिंपल जल से भी अभिषेक कराते जाना है। उसके बाद घी से अभिषेक कराया था मैंने, और सबसे लास्ट में घी से अभिषेक कराने के बाद भी अच्छी मालिश कर दी थी। फिर सिंपल सादे पानी से जो है मैंने स्नान करवा दिया था, गंगा जल डाल रखा है इस जल के अंदर मैंने। उसके बाद भाई लास्ट में मैंने शहद से अभिषेक करा दिया था। तो इस तरीके से जो लड्डू राधा का अभिषेक है वो सुबह का संपन्न हुआ था। सुबह 4:45 बजे के करीब मैंने ये अभिषेक और स्नान करवा दिया था भाई दोनों का। अब इसके बाद जो हमें इनके लिए मैंने दूसरी स्नान की थाली तैयार कर ली थी फूल डाल के। अब यहाँ मैं सिर्फ गंगा जल डले हुए जल से ही स्नान करवा के और दोनों को नई पोशाक धारण करवाऊँगी। पोशाक मैंने ब्लू रेडी कर रखी है। उसके बाद मैंने लड्डू का भी स्नान करवा लिया था। अब मैं दोनों का श्रृंगार करूंगी अच्छे तरीके से, क्योंकि भाई देखो राधा अष्टमी है, जन्माष्टमी जितना ही स्पेशल मुझे अपनी राधा के लिए राधा अष्टमी को भी बनाना है। उसके बाद दोनों का श्रृंगार किया मैंने, कड़े वगैरह सब दोनों को पहनाए, और जो ये छोटी छोटी वाइट कलर की बिंदियाँ हैं ये भी मैं घर पर ही लगा लेती हूँ दोनों को, तो ये भी मैंने लगा ली थी दोनों को। उसके बाद काजल वगैरह घर पे डाल लेती हूँ, काजल बना रखा है मैंने, इनका काजल डाल दिया था दोनों को। तो इस तरीके से मैंने अपने दोनों बच्चों को भाई राधा अष्टमी के लिए तैयार किया है, और जितने भी मतलब जो ज्वेलरी वगैरह हैं वो दोनों की मैं मैचिंग कोशिश करती हूँ लेके आती हूँ, क्योंकि राधा अष्टमी का दिन ना भी बहुत ख़ास होता है। अब बीच में लगभग 7:45 का टाइम हो गया था, बेटे का स्कूल में जाने का टाइम था, तो फटाफट मैंने इसको भी लंच दे ब्रेकफास्ट करवा के भेज दिया था। फिर वापस आ गई थी मैं मंदिर में। आज लड्डू राधे ने भाई काफ़ी टाइम लिया है तैयार होने में, खूब आराम से तैयार किए हैं सुबह से लेकर 7 बजे तक, आज मेरे से यही दोनों तैयार हुए हैं। उसके बाद अष्टमी थी, मेरा अष्टमी का व्रत होता है तो भाई मैया का भी मैंने स्नान करवाया सेम उसी तरीके से, पांचों चीज़ों से अलग अलग मैंने मैया का स्नान करा दिया था। और जितनी बार भी मैं कोई भी सामग्री यूज़ करती हूँ उसके बाद सिंपल जल से, गंगा जल डले हुए जल से मैं ज़रूर स्नान करवाती हूँ। डायरेक्ट हमें एक के बाद एक चीज़ें यूज़ नहीं करनी चाहिए, उसके बाद हमें जल से अभिषेक ज़रूर कराना चाहिए कोई भी सामग्री यूज़ करने के बाद। तो इस तरीके से भाई मैंने मैया रानी का स्नान करवाया, क्योंकि ख़ास दिन है, जितने भी मेरे पास विग्रह हैं किसी भी स्पेशल ओकेजन पे मैं उन सब का स्नान कराती हूँ। शालिग्राम भी है मेरे पास, शिवलिंग भी है, तो मैंने सब का स्नान करवा दिया था।
उसके बाद मैंने अखंड दीपक के लिए तैयारी कर ली थी, अष्ट कमल दल बना दिया था, चावल वगैरह सब रख दिए थे। फिर हमने अपना दीपक प्रज्वलित करके भोग लगा दिया था, और उसके बाद भाई अब मैं भोग लगाने के बाद, पाठ वगैरह करने के बाद अपनी आरती जरूर करती हूँ। पुष्प सब समर्पित कर दिए थे हमने। पूजा करके भाई अपना चाय पानी पी लिया था, अब तैयारी थी झूला रेडी करने की। और वाइट कर्टेन, पीकॉक वगैरह मैंने सब रख लिए थे यहाँ पे। वाइट कर्टेन ऊपर मैंने लगवा दिए थे, और ये जो लड़ी वगैरह सब लगवा दी थी, ब्लू लड़ी अब मैं पूरे झूले पे और कर्टेन पे ऊपर लगाऊंगी, ताकि जो लाइट है वो अच्छे से इस पे, मतलब लाइट की रोशनी अच्छे से आ पाए। मंदिर के बैकग्राउंड पे भी मैंने पीछे पूरी लाइट वगैरह सब जलवा दी थी। अब बारी थी राधा कृष्ण को, बाल गोपाल को और अपनी राधा रानी को झूले पे विराजमान करवाने की। सबसे पहले मैंने राधा रानी को और लड्डू गोपाल को झूले पे विराजमान करवा दिया था, क्योंकि आज सारा दिन मैं इन दोनों को झूला ही मैंने सजा दिया है, तो झूले पे ही दोनों को बिठा के रखूँगी सारा दिन। अब बारी थी भाई मंदिर के बाहर डेकोरेशन करने की। फ्लावर मैंने मंगवा लिए थे, तो अब सबसे पहले मैं रंगोली बनाने के लिए फ्लावर की कटिंग कर रही थी, क्योंकि कटिंग होने के बाद ना डेकोरेशन थोड़ा, फ्लावर ज़्यादा भी हो जाते हैं और डेकोरेशन थोड़ी अच्छे तरीके से हो जाती है। गुलाब के फूल से मैंने हर एक पंखुड़ी अलग कर ली थी, और जो गेंदे के फूल थे वो भी सारे मैंने कट कर लिए थे। उसके बाद अब मैं डेकोरेशन करूँगी, जहाँ पे मैंने लड्डू राधा को विराजमान करवाया है उसके सामने तो मैंने भोग के लिए चौकी लगा दी थी, क्योंकि जितने भी भोग रखे जाएंगे वो इस चौकी पे ही मैं लगाऊंगी। और सुबह का भोग मैं दूध का और मेवे का एक बार लगा चुकी थी। फिर मैंने यहाँ पे फ्लावर की बाउंड्री करके और छोटी छोटी इसके अंदर आज रंगोली बनाई है, कि थोड़ा जन्माष्टमी से अलग लुक भी हो जाए। और मैंने मेरे पास ये रंगोली बनाने के लिए थे, तो मैंने इससे रंगोली बनाई छोटी छोटी। फिर जो मैंने रंगोली बनाई थी उसमें मैंने छोटी छोटी गोपियाँ खड़ी कर दी हैं राधा रानी की सखी के रूप में। साइड से भी मैंने थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी रंगोली बना दी। आज ना मैंने मोर का ज़्यादा यूज़ किया है, क्योंकि राधा रानी को मोर बहुत प्रिय है। तो इस तरीके से जाके भाई फाइनल मेरी डेकोरेशन कम्प्लीट हो गई थी। बीच में सेंटर में मैंने ऐसे ही झूला रखा है, ऊपर से मैंने वाइट कर्टेन के साथ पूरा डेकोरेट कर दिया। झूले को भी मैंने ऊपर मोर से कवर किया और बैलून से कवर किया। और लड्डू राधा के सामने भाई मैंने भोग के लिए चौकी लगाई है, और बिल्कुल लड्डू राधा के सामने ही मैंने छोटा सा रास्ता ऐसे बनाया, उसमें रंगोली और गोपियाँ रख दी मैंने, और उसके बाद मैंने मोर यहाँ पर बिठाया है। फिर मैंने साइड में भी छोटी छोटी रंगोलियाँ बनाई हैं, वो मैंने फूलों से बनाई हैं। इधर मैंने साइड में गोवर्धन पर्वत राधा रानी को प्रिय है, और गौ माता ये भी मैंने यहाँ पे रख दी है साइड में। बिल्कुल इसके सामने मैंने जो डेकोरेटिव आइटम बनाए थे वो रख दिए, सामने ही फूलों से भर के एक पूरा कलश रख दिया, और कमल का फूल भी मैंने रख दिया है, क्योंकि ये भी राधा रानी को प्रिय है। आर्टिफिशियल भी और ओरिजिनल भी दोनों ही मैंने यूज़ किए हैं, और सामने भी मैंने डेकोरेशन की बिल्कुल स्टार्टिंग में भी मोर का यूज़ किया है। अब भाई भोग की बारी थी। जो मीठा भोग है वो तो मैंने एक दिन पहले राधा अष्टमी से तैयार कर लिया था। उसमें देखो मैंने काजू कतली बनाई है, फिर ड्राई फ्रूट वाली काजू कतली भी मैंने बनाई है अंदर ड्राई फ्रूट इसमें मिक्स करके, और मेवा पाक बनाया है। रेसिपी भाई मैंने नहीं दिखाई, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती। इधर मैंने घिया की बर्फ़ी बनाई है, बेसन के लड्डू बनाए हैं, घिया का हलवा बनाया है, और धनिया पंजीरी बनाई है। ये मीठे भोग भाई मैंने अपनी राधा रानी के लिए एक दिन पहले ही तैयार कर लिए थे। अब राधा अष्टमी वाले दिन भाई सारे नमकीन भोग मुझे तैयार करने हैं, तो इसके लिए मैंने भोग की एक स्पेशल थाली अपनी लाडो रानी के लिए तैयार की थी, जिसमें उसकी मनपसंद की चीज़ों को मैंने रखा है। साबूदाने की खीर मैंने बन्नी रख दी थी, साबूदाने और आलू की मैंने टिक्की बना दी थी, और खीर अब मेरी बनके रेडी थी साबूदाने की। अरवी की जो सब्जी है वो मेरी बनके रेडी थी, क्योंकि अरवी की सब्जी भी वही राधा की पसंदीदा है। और अब मैं जो राधा रानी के लिए कचौरी बनाऊंगी, तो इधर मैंने आलू और साबूदाने की कचौरी बना दी थी, साबूदाने की खीर बनाई थी, अरवी की मैंने सब्जी बनाई है और टिक्की बना दी थी, और मक्खन मिश्री और सलाद। तो ये मेरी नमकीन भोग की थाली तैयार थी। अब मैं अपनी राधा रानी को भाई भोग लगाऊंगी,
तो सबसे पहले मैंने मतलब यही कोशिश की है भाई अपनी तरफ से कि जो राधा रानी की प्रिय चीज़ें हैं ज़्यादा से ज़्यादा मैं वही बनाने की कोशिश करूं। तो अब भाई मैंने भोग लगाया है, मीठी मिठाई का भोग वही रखा है मैंने जो मैंने बनाया था, फल का भोग लगा दिया था मैंने, और साथ में जो इनके लिए भोग की थाली तैयार की थी वो भोग मैंने दोनों को लगा दिया था। और भाई देखो पूजा अर्चना अपनी करने के बाद क्षमा याचना जरूर करनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि भोग में कोई मुझसे कमी ना हुई हो या कुछ भी, भाई हर एक चीज़ के लिए मैंने अपनी क्षमा याचना कर ली थी। देखो हम तो सिर्फ सेवा में अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर सकते हैं, बाकी गलतियां तो देखो होती हैं, बाकी जो भी गलती हो उसके लिए चाहे हमसे हो या ना हो तो भी हमें क्षमा याचना जरूर करनी चाहिए, संपूर्ण अपने आप में कोई नहीं होता। तो इसीलिए भाई मैंने भोग लगा के और अपनी क्षमा याचना भी कर ली थी। इस तरीके से भाई मैंने राधा अष्टमी पे अपनी लाडो रानी के लिए उसके पसंदीदा भोग तैयार करने का एक प्रयास किया है। तो ऐसे मैंने अपना जो राधा अष्टमी का दिन है वो अपनी लाडो रानी के साथ सेलिब्रेट किया, क्योंकि जितना जन्माष्टमी का महत्व है ना भाई उतना ही राधा अष्टमी का भी महत्व है। और अगर आपके पास राधा रानी है या नहीं है तो भी हमें राधा अष्टमी ज़रूर सेलिब्रेट करनी चाहिए, अपने लड्डू गोपाल को भी हम राधा रानी बना के जन्माष्टमी सेलिब्रेट कर सकते हैं। ये मेरी पूरी जो डेकोरेशन है वो थी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना, और कमेंट करके ज़रूर बताना भैया आपने अपनी राधा अष्टमी कैसे सेलिब्रेट की। मिलते हैं अगली वीडियो में।